महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत गर्म है। ये वो राज्य है जहां कुछ ना कुछ उलट फेर होता ही रहता है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में पोस्टल वार भी चल रहा है। एनसीपी के दो गुटों शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच पार्टी पर दावे की लड़ाई चल रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को एनसीपी का चुनाव नाम और चिन्ह अजीत पवार गुट को देने का फैसला किया। इस पर शरद पवार गुट की ओर से एक अनोखा पोस्टर लगाया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट के युवा विंग के प्रदेश सचिव सरदार गुरजोत सिंह ने ये पोस्टर लगवाया है। पोस्टर पर शरद पवार की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ ही लिखा है, चुनाव तुम्हारा बाप हमारा, जीत तो आज भी हमारी हुई है। जगह जगह ऐसे पोस्टर लगवाई गई है। शरद पवार को अपने भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण अपनी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खोना पड़ा है। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि अजित पवार गुट एनसीपी का नाम और घड़ी चिन्ह बरकरार रखेंगे। अब शरद पवार गुट को अपनी पार्टी के लिए नया नाम और चिन्ह तलाश करना है। चुनाव आयोग ने गुट को अपने राजनीतिक दल के लिए एक नाम का दावा करने और बुधवार शाम 4 बजे तक 3 प्राथमिकताएं देना का एक बार का विकल्प दिया है। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वे अपनी प्राथमिकताएं सौंपेंगी। शरद पवार गुट से पार्टी के लिए ऐसा नाम दिया जा सकता है जिसमें राष्ट्रवादी शब्द हो और जो आम आदमी को आकर्षित करता हो। चश्मा, उगता सूरज और सूरजमुखी कुछ ऐसे चिन्ह है जिन पर विचार किया जा रहा है। अब अजित पवार ने कैवियट के जरिए मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार इस मामले में कोई याचिका दायर करती है तो फिर उस पर एकतरफा फैसला न दिया जाए। इसके साथ ही उनकी बात भी सुनी जाए। बता दें कि चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद मुंबई के एनसीपी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। तो इसी बीच वायरल हो रहे पोस्टर में शरद पवार, सुप्रिया सुले और रोहित पवार की तस्वीर लगी है। पोस्टर में लिखा है, चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा। दरअसल अजित पवार एनसीपी में अपने कुछ विधायकों का समर्थन लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन में चले गए थे। इसका उन्हें इनाम भी मिला था और उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बराबर डिप्टी सीएम भी बनाया गया था। तब से लेकर लगातार मौके दर मौके अजित पवार अपने ही चाचा शरद पवार पर राजनीतिक हमले करते ही रहती है। अब उनकी नज़र शरद पवार की पारंपरिक सीट बारामती पर है, जिससे फिलहाल एनसीपी की सुप्रिया सुले सांसद है। अजित पवार अब उस सीट पर जमकर प्रचार भी कर रही। जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी।